एक बड़े से जंगल में पुष्पराज नाम का एक बड़ा स्मगलर हुआ करता था। उसके पास बहुत से लोग काम करते थे। वो लाल चंदन के पेड़ों को काटता था, उन्हें उसके पास मौजूद हाथी उठाकर ले जाते थे और उसके आदमी लॉरियों में लाल चंदन को चढ़ाते थे। वहां से लॉरी निकलते थे, वहाँ पर चेकपोस्ट के पास मौजूद पुलिस वाले भी पुष्पराज के ही आदमी होने के कारण उनकी जांच करे बिना ही वो लोग लॉरियों को छोड़ देते थे। ऐसे उसके जुर्म का साम्राज्य बहुत फैला हुआ था। उसके पास गंगा नाम की एक हाथी थी। पुष्पराज को गंगा बहुत पसंद थी, उसे अच्छा खाना खिलाते हुए उसका बहुत ख्याल रखता था। वो भी पुष्पराज को अपने ऊपर बिठाकर घूमते रहती थी। पुष्पराज आसपास के गांव में भी बहुत दान करता था, इसलिए अगर गांव में कभी कोई पुलिस की गाड़ी आती तो उस गांव में रहने वाले पुष्पराज के आदमी तुरंत पुष्पराज को फोन करके उसे जानकारी देते थे। इससे पुष्पराज सतर्क होकर जंगल में दूसरे इलाके को अपने आदमियों के साथ मिलके चला जाता था। पुलिस वाले आकर वहां पर देखे तो उन्हें कोई नहीं दिखते थे, इससे वो लोग सर पकड़ लेते थे। एक बार उस इलाके को एक नया एसपी आया, उसका नाम शेखावत था। वो बहुत बड़ा रिश्वतखोर और भ्रष्ट ऑफिसर था। वो बहुत बड़ा क्रूर और मूर्ख आदमी था। वो जैसे तैसे पुष्पराज को पकड़ने के लिए देख रहा था। एक बार गलती से गंगा एक घाटी में गिर गई, मगर वो पूरी तरह से घाटी में गिरे बिना नीचे एक बड़े से पत्थर के बीच में फंस गई थी। वो हाथी उसे बचाने के लिए चिंगाड़ने लगी। उसके चिंगार को सुनकर पुष्पराज और उसके आदमी वहाँ पर आए। वो लोग गंगा को देखकर उसे कैसे बचाना है कहकर सोचने लगे। पुष्पराज तब, अरे इसे बचाने के लिए हमारी ताकत बस नहीं होगी, इसके लिए एक जेसीबी को लाना होगा। वो अब कहाँ पर होगा, उसे अब तुरंत लेकर आइए, कहा एक तब। पुष्पा भाई, उस जेसीबी के मालिक का घर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में ही है। हम अब उसके लिए गए तो बहुत खतरा होगा, पुलिस वाले हमें पकड़ सकते हैं। हम अब गंगा को छोड़ दिए तो ही अच्छा रहेगा, हमें वहाँ पर जाने के लिए हिम्मत नहीं है भाई, कहा। पुष्पराज उसे एक खींच के मारकर, गंगा के लिए मैं चाहे जितना भी दूर जा सकता हूँ, आप नहीं गए तो मैं ही जाकर उस जेसीबी को लाऊंगा, इसके अंदर आप लोग रस्सियों को तैयार करके रखना, कहा। ऐसे वो बाइक को लेकर गांव में आया, उस जेसीबी वाले से पूछकर जेसीबी को लेकर निकला। उसे देखकर एक पुलिस इंफॉर्मर शेखावत को फोन करके पूरी बात बताया। बस शेखावत तुरंत अपने जीप में निकला। पुष्पराज पहाड़ के पास पहुंचकर जेसीबी को रस्सियां बांधकर उनसे गंगा को ऊपर खींचकर उसे बचाया। गंगा ऊपर आकर खुशी से चिंगाड़ने लगी, पुष्पराज को अपने सूंड से आशीर्वाद दी। इतने में शेखावत वहां पर आकर बंदूक से पुष्पराज पे निशाना साधा। शराफत से सरेंडर हो जाओ, वरना ये बुलेट तुम्हारे भेजे में घुसेगी, कहकर पुकारा। उसे देखकर पुष्पराज के आदमी मारे डर के वहां से भाग गए। पुष्पराज तब, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना हूं। तुम्हारे जैसे निठल्लों को मैंने बहुत देखा है। मैं तुम्हें सरेंडर हुआ तो भी तुम मुझ पर केस डालकर मुझे जेल में नहीं डालोगे कहकर मुझे अच्छे से पता है। मुझे एनकाउंटर करोगे कहकर मैं जानता हूँ, कहा शेखावत तब। सही कहा, तुम बहुत समझदार हो। मैं तुम्हें एनकाउंटर करने के लिए ही आया हूँ। तुम्हें टपका दिए तो मुझे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। चुपचाप भगवान की याद करो, यही तुम्हारे आखिरी क्षण है, कहा। बस गंगा एकदम से उस पर वार की, सूंड से उसके हाथ में के बंदूक को दूर फेंक दी। उसे अपने सूंड से पकड़कर जमीन पे जोर से पटकी, बाद में उसे उसी घाटी में फेंक दी। इससे उसे छुटकारा मिला। बाद में पुष्पराज गंगा को प्यार से चूमा, उसके ऊपर बैठकर जंगल की ओर निकला। पुष्पराज, दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई तो दया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक मार के आपके दोस्तों को शेयर भी कीजिए। पुष्पा 2 के लिए कौन कौन इंतजार कर रहा है हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।